लोग हिमांक का अवनमन जो पढ़ रहे थे ना, उसमें हिमांक के अवनमन का हमने डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। यानी डेरिवेशन में क्या किया था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। डेल्टा टीएफ क्या है, ये हिमांक का अवनमन कहलाता है। यानी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी हिमांक का जो अवनमन हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, उस चीज को देखा था हमने, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ भी चुके थे, तो इसको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो पहला पार्ट था उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हिमांक के अवनमन में हमने यहां तक देखा था, ठीक है ना। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है ना। केएफ जो है वो क्या है, यहां लिख देता हूं, केएफ इज इक्वल टू, देखिए इसको कई नामों से जानते हैं, वो सारे नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। हिमांक अवनमन स्थिरांक, क्या कहते हैं इसको, हिमांक अवनमन अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। यानी इस केएफ जो ये कांस्टेंट है ना, इसको हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या दूसरे नामों से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये दूसरे नामों से भी जानते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक है ना, मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक, ठीक है बच्चों। यहां तक हमने देखा था, और भी एक नाम होता है बच्चों, और क्या नाम होता है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका केएफ का यूनिट क्या होता है, केएफ की इकाई क्या होती है, केएफ की इकाई यानी मात्रक, जिसको आप कहते हैं ना यूनिट ऑफ केएफ, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक जो हमने निकाला था उसको, तो किस यूनिट में मापते हैं, उसकी यूनिट जो होती है। इसके प्रीवियस में भी हमने क्या देखा था, क्वथनांक का उन्नयन में भी जो मात्रक था ना आपका केबी का, है ना, उसी का वो मात्रक किलो केल्विन मोल इनवर्स वन होगा, ठीक है। यानी के जी मोल इनवर्स वन होता है ना, केल्विन के जी मोल इनवर्स वन होता है, ये इसका मात्रक होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे आपने ये सारी चीजें निकाल लिया था ना, उसके बाद अब हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या होगा बच्चों, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेशन बिटवीन मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, ठीक है, मोलर मास एंड रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, ये लिख लीजिएगा, हेडिंग है, ठीक है। इसके आगे यानी हम लोग मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान और हिमांक का अवनमन का, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन होगा, उस चीज को समझने वाले हैं, ठीक है। यहां तक तो हम लोग सीख ही चुके थे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम से, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, ये आता है कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अथवा कभी कभी ना परीक्षा में आपको इस नाम से भी पूछ लेता है, ठीक है, हिमांक में अवनमन से, या हेडिंग आप हिंदी में लगा लीजिए, हिमांक में अवनमन से, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, हिमांक में अवनमन से, ठीक है, हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना, के अणुभार, अणुभार ही तो निकाल रहे हैं यानी आणविक द्रव्यमान, अणुभार की गणना, तो इस नाम से भी कभी कभी आपके अनसॉल्व में पूछा भी, अनसॉल्व हल करेंगे लास्ट में तो देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, क्या, कि डेल्टा टीएफ है ना, यानी डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम होता है, ये हम सभी जानते हैं।
और चूंकि ये मोलालता है ना, यानी जो हिमांक का अवनमन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो जो आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया था ना उसकी मात्रा कितनी है वो किससे डिफाइंड होगा, एम से यानी मोलालता से डिफाइन होगा। ठीक है, तो मोलालता बराबर, हम जानते हैं कि मोलालता बराबर क्या होता है, मोलालता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या एन और बटे विलायक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान यानी डब्ल्यू केजी में। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक हम जानते हैं। अब चूंकि हम मान लेते हैं यहां पर, चूंकि मान लिया कि डब्ल्यू वन जो है वो विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, डब्ल्यू वन मान लिया विलायक का द्रव्यमान है, W2 क्या है विलेय का द्रव्यमान मान लेते हैं, मान लिया हमने W2 जो है विलेय का द्रव्यमान है। ठीक है, और M2 जो है, M2 क्या होगा, M2 क्या हो जाएगा, इसका अणुभार हो जाएगा ना, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, विलेय का मोलर, विलेय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां तक यदि आपने डिफाइन कर दिया तो हम जानते हैं कि चूंकि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, W बाई एम होता है ना, ये होता है यानी द्रव्यमान बटे अणुभार होता है ना, यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर, वही चीज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, मोलों की संख्या n बराबर w बाई m है ना, बटे ये w है, यदि इसको ग्राम में बदलेंगे, एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, ठीक है, n बाई w है, ग्राम में बढ़ाएंगे तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों यहां पे, तो n बराबर क्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या है ना, यानी विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान W1 हो गया, विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पे जब निकालेंगे तो विलेय के का द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, विलेय का द्रव्यमान W2 और बटे विलेय का अणुभार यानी M2 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका विलायक का द्रव्यमान है ही, यानी W1 और गुणे 1000 हो जाएगा, है ना, 1000 ये हो जाएगा। अब इसके आगे यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो W2 गुणे 1000 हो जाएगा, ये W2 गुणे 1000 बटे ये क्या आ जाएगा, W1 गुणे M2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका मान मिला बच्चों, M बराबर यानी मोलालता बराबर आपको इतना मिल गया, W2 गुणे 1000 बटे W1 गुणे M2, यही चीज यहां पर पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा, W2 गुणे 1000 बटे W1 गुणे M2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें कहां पे, इस इक्वेशन में हम रख देना, इसको मान लिया इक्वेशन वन है, तो यहां से हम M2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, मैं यहीं पे निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो सकता है इसको कुछ मिटाना पड़े तो मैं मिटा भी दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, ओके, अब यहाँ पे जैसे ही रिलेशन निकाला तो इसका मान इसमें रखेंगे तो ये आएगा बच्चों डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम का मान कितना है बच्चों, ये है आपका डब्लू टू गुणे 1000। ठीक है, बटे में आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ है ऑलरेडी पहले से, अब बटे में डब्लू वन गुणे आपका एम टू आ जाएगा। ठीक है, चूंकि एम टू का मान निकालना हमें, त्रिया गुणा करेंगे इसका बटे वन है, तो यहां से ये आ जाएगा एम टू गुणे डब्लू वन गुणे डेल्टा टी एफ। ठीक है, बराबर आ जाएगा ये, यानी के एफ, के एफ क्या है, केएफ जो है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है बच्चों, ये ध्यान रखना है कौन क्या है, केएफ गुणे डब्लू टू गुणे 1000। ठीक है, अब यहां से एम टू का यदि आप मान निकालते हो तो आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा, केएफ गुणे डब्लू टू गुणे 1000 बटे ये आपका आ जाएगा डेल्टा टी एफ गुणे
डब्लू वन, ठीक है, ये आपका फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना। यही रिलेशन होता है कि हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणु भार की जब आप गणना करेंगे बच्चों, ये आपका फार्मूला मिलेगा, ठीक है। यानी एम टू बराबर के एफ गुणे डब्लू टू गुणे 1000 गुणे बटे में डेल्टा टीएफ गुणे डब्लू वन। एम टू क्या है, विलेय का अणु भार है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, डब्लू टू क्या है, आपने लिखा है विलेय का द्रव्यमान है, जो आपने विलेय अवाष्पशील विलेय मिलाया था उसका है, ठीक है। 1000 यानी हमने ग्राम में निकालने हैं सारे फार्मूले, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन से प्रदर्शित करते हैं, यानी डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, ठीक है। डब्लू वन क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, जो आपने क्या शुद्ध विलायक लिया था, जो द्रव H2O लिया था, ठीक है। उस तरीके से आप आसानी से इस फार्मूला से आपने ये रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों चीजें, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, दोनों चीजें किस पे निर्भर करता है, विलेय के क्या है, यहां पर विलेय के मात्रा पर डिपेंड करता है W2, ठीक है। तो आपने M2 बराबर इतना निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं, बहुत आसान है, क्वेश्चन हल करते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिख रहा है ना, ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिए, जो क्लियर नहीं दिख रहा है देख लीजिए, गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी M2 बराबर ये फाइनल आएगा, ठीक है, M2 बराबर KF गुणे W2 गुणे 1000 बटे डेल्टा TF गुणे W1, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।